हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ग्लास बॉटल में फेविकॉल के ग्लास कलर्स का यूज़ करने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं कौन से कलर्स हैं। तो कुछ इस तरीके के फेविकॉल के ग्लास कलर्स आते हैं, 10 सेट्स होते हैं इसमें, और इसकी MRP आ जाती है 110 रुपीज़। इसमें इस तरीके के कलर्स अवेलेबल होते हैं। उसी तरीके से इसमें छोटा बॉक्स आ जाता है, ये आ जाता है 6 सेट्स का, जिसकी MRP आ जाती है 85 रुपीज़। और इसमें हमें 6 सेट्स मिलते हैं, कुछ इस तरीके के कलर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। साथ ही इसमें हमें मिलता है एक 3D आउटलाइनर, ये इस तरीके से ब्लैक कलर का आउटलाइनर होता है। तो ये आउटलाइनर दोनों ही पैकेट में अवेलेबल होते हैं, 10 सेट्स और 6 सेट्स में। और कुछ इस तरीके की ग्लास कलर्स की बॉटल्स होती हैं, इसे आप लोकल स्टेशनरी शॉप से भी बाय कर सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो ब्लैक लाइनर हमें अवेलेबल होते हैं इन पैकेट में, वो किस तरीके की ट्यूब होती है। तो देखिए, कुछ इस तरीके की ये ट्यूब आती है ब्लैक लाइनर की, जिसे हम यूज़ करते हैं ग्लास कलर्स के लिए। चाहे आप बॉटल में यूज़ कर लीजिए, चाहे आप किसी ग्लास मिरर में यूज़ कर लीजिए, या OHP शीट में इसको यूज़ कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके की आती है, और साथ में हमें एक कैप मिलती है अलग से, जिससे हमें हेल्प मिलती है 3D लाइनर बनाने में। तो कुछ इस तरीके से आप इस कैप को लगा सकते हैं और अपने इस तरीके से बॉटल में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इस 3D आउटलाइनर का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं करूँगा कुछ अलग 3D आउटलाइनर्स का यूज़। कुछ इस तरीके की देखिए, मल्टी कलर्स में 3D आउटलाइनर्स आती हैं फेविक्राइल की। ये पर बॉटल 25 रुपीज़ की होती है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके की ये बॉटल्स आ जाती हैं, 25 रुपीज़ की इसकी MRP आ जाती है, जिसको आप लोकल मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। तो ये ग्लिटर में भी आती है, नॉन ग्लिटर में भी आती हैं। तो इन्हीं का ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा इसमें डार्क ग्रे कलर का। कुछ इस तरीके की देखिए ट्यूब आती है डार्क ग्रे की। तो ये डार्क ग्रे की जो हम यूज़ करते हैं, होती तो ये डार्क ग्रे है, लेकिन जब ये ड्राई हो जाती है तो ये ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं इसी का ही यूज़ करने वाला हूँ, और ये काफ़ी इजी होती है। जैसे हम ट्यूब का यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपका हैंड शेक होता है, और वही अगर हम इन 3D लाइनर्स का यूज़ करेंगे तो इसमें शेकिंग नहीं होती है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल अच्छे से आप इसका 3D लाइनर का यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो मैं बना रहा हूँ इसमें ब्लॉक्स, उसके बाद हम इसमें ग्लास कलर्स को फिल करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप पहले डिज़ाइन बना लीजिए। चारों तरफ से 3D लाइनर का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है इसमें ग्लास कलर्स। तो इसमें हम ग्लास कलर्स का यूज़ करते हैं। मैं ले रहा हूँ एक रेड कलर, इसको अच्छे से इसमें हमें फिल कर देना है। हर एक ब्लॉक में हम अलग अलग कलर्स का यूज़ करेंगे, तो इसमें मैं ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही इसमें सेलेक्टेड कलर्स हैं, उन्हीं को ही हम रिपीट करेंगे अलग अलग ब्लॉक्स में। तो कुछ इस तरीके से आप इसको फिल कर लीजिए। Thank you.
तो देखिए फ्रंट में हमने ग्लास कलर्स को फिल कर लिया है। अब इसके 30 मिनट्स तक हम ड्राई होने देंगे, उसके बाद ही इसे टर्न करके हम साइड में ग्लास कलर्स को फिल करेंगे, क्योंकि ये ड्राई होना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने तीनों तरफ से तो कर लिया है, अब एक वन साइडेड रह गया है। जब ये प्रॉपरली ड्राई हो चुका है साइड से, तब मैं इसको फ्लिप करके अब फिर से बैक साइड में इसका कलर फिल कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ग्लास वर्क कंप्लीट हो चुका है और कुछ इस तरीके का लुक निकल के आया है। अब हम इसमें लगाएंगे लाइट, तो लाइट हम यूज़ करेंगे देखिए कुछ इस तरीके की, ये फेरी लाइट होती है, तो कुछ इस तरीके की आप लाइट ले सकते हैं जो बॉटल में यूज़ होती हैं। और अगर आपको ये लाइट बाय करनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। अब मैं लाइट इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से लाइट हमें इसके अंदर डालनी होगी। तो कुछ इस तरीके से देखिए इसमें लाइट हमने फिक्स कर दी है, अब इसको हम ऑन करके देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लुक आया है, कुछ इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं अपने होम को। अब मैं एक बार आपको लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ कि कैसा लुक आता है। कुछ इस तरीके से देखिए पूरी लाइट ऑफ करने के बाद हमारी बॉटल इस तरीके से दिखती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।